हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सब? डरे तो नहीं आप सब? आई होप आप सब नहीं डरे. लुक एट मी. अरे आप नहीं समझोगे मेरी क्या हालत हुई थी. अरे यार तुम चुप हो जाओ. तुम्हें नहीं मालूम मैं क्यों चीख रही थी? देखा नहीं किया तुमने? तो फ्रेंड्स, ये वीडियो है हमारा अपनी बचपन की यादें ताज़ा करने का. मेरा कुछ ज़्यादा ही मन किया तो आफ्टर सो लॉन्ग, लाइक हम बचपन में जाया करते थे, वो बोलते हैं ना मेला, नुमाइश. तो फ्रेंड्स हम सब ने मिल के प्लान बनाया, हमें नुमाइश जाना. और वहाँ पे वो जब हम इतने बड़ी बड़ी राइड्स करते थे, झूलों में बैठते थे, तो वो सब याद आने लगा. वो आपको वो सॉन्ग याद है? मेला दिलों का आता है, एक बार एक बार. ना. वैसे मैं यहाँ पे चाह रही थी कि मैं इस सॉन्ग को ऐड कर दूँ, पर आप जानते हैं ना, कॉपीराइट क्लेम. तो ये है मेरी सिस्टर और ये मेरा भाई छोटा. लग गया था मैं वीडियो बना रही हूँ तो बस उसके बाद इनका सीरियस, बिल्कुल वो होता है ना सीरियस मोड में आ जाना, वो चालू हो गया था. तो बस मैं कुछ इसी तरह मोहल्लों की वीडियो बनाते हुए अपना टाइम पास करते हुए जा रहे थे हम. अब देखिए वहाँ क्या क्या होता है उसके बाद, आगे का देखिए. अब मैं थोड़ा कॉमेंट्री ऑफ करती हूँ. डिम्पल चुप चुप चुप. ओके. तो दोस्तों ये हमने गाड़ी पार्क कर दी है और हम पहुंच गए हैं. अब तो मुझे बोलना पड़ेगा ना, कोई मुझे नहीं रोक सकता. ये देखिए, ये है थाने जी, हंसते मुस्कुराते हैप्पी हैप्पी हम गए. बट गेस व्हाट, वेल ऐसा कुछ खास गेस नहीं करना है फ्रेंड्स. बस हमने वहाँ पे बहुत सारी राइड्स की जो कि काफ़ी एडवेंचरस थी, बहुत एक्साइटिंग थी, काफ़ी हॉरिफाइंग भी थी मैं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा डरावनी और काफ़ी डेंजरस भी मैं बोलूँगी. बट सेफ्टी इशू था उन राइड्स में. जैसे अगर हम सिंगापुर जाएं, यूनिवर्सल स्टूडियो की बात करें, तो आपने देखा होगा झूलों में प्रॉपर हार्नेस वगैरह रहता है, सेफ्टी, फियर सेफ्टी है ना. और कहीं ना कहीं वो डर नहीं रहता उन राइड्स में. बट यहाँ यार थोड़ा सा तो डर था, इसीलिए यहाँ पे टिकट भी थोड़ी सस्ती थी. तो वो देखिए एंट्री करी हम लोगों ने इस तरह से. 20 rupees पर पर्सन टिकट था, 20 or 25 समथिंग लाइक दैट. यस, किड्स वर फ्री. और अगर मैं फूड की बात करूँ तो सही बताऊँ तो इतना हाइजीन वाइज मुझे काफ़ी पुअर हाइजीन लगी थी खाने की. बाकी जो सामान था वाज आल्सो लाइक चीप क्वालिटी का था वहाँ पे, है ना. छोटा मोटा बहुत सस्ता आपको मिल जाएगा अगर आप किसी को शॉपिंग करनी, बस सस्ती वाली. क्वालिटी वाइज वो इतना अच्छा नहीं था वहाँ पे सामान, तो हम लोगों ने तो खैर कुछ भी नहीं लिया. अभी थोड़ा सा चॉइस थोड़ा चेंज हो गई है, हो जाता है टाइम के साथ साथ चॉइस चेंज हो जाती है.
और सच बताऊं फ्रेंड्स, मुझे अपने इस रिएक्शन को बाद में देख कर बहुत हंसी आ रही थी कि ये मेरा क्या था, ये कौन सा रूप था मेरा। बट सीरियसली फ्रेंड्स, मैं बना तो वीडियो रही थी ना, पर मैंने छोड़ दिया था लास्ट में अपना फ़ोन। मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी और ऊपर से ये मज़े ले रही थी। यार मतलब तुम लोग को हंसी आ रही है और मेरी वहाँ जान जा रही थी। मुझे लग रहा था आज मैं बचने वाली नहीं हूँ, और देखो मेरे बगल में एक कपल बैठा था, ये मुझ पर हंसी जा रहा था। तुम लोग बैठोगे ना तब तुम्हें पता लगेगा कि कितना डेंजरस होता है बिना सेफ्टी हार्नेस बिना बेल्ट के ऐसे झूलों में बैठना। तौबा तौबा, मैं ना बैठने वाली। अरे वही, मैंने सब छोड़ दिया था शूट, कहाँ से शूट करती, मेरी हालत ख़राब हो गई थी, नहीं शूट किया ना मैंने। वही, यही था वो झूला, देखो कितने ऊपर जा रहा है, यही यही वाले में बैठे थे हम। पता नहीं नाव वाला झूला बोलते क्या बोलते हैं इसे। और फिर एक राइड ये थी, देखिए इसमें तो तुम पूरा उल्टे हो जाते सर नीचे पैर ऊपर, तो ये और भी ज़्यादा थ्रिलिंग और काफ़ी हॉरिफाइंग राइड थी, जो कि हम मैंने बिल्कुल नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर नहीं थे इतने गट्स। मैं एक में ही बिल्कुल मैंने तौबा कर ली थी, क्योंकि सेफ्टी इशू मुझे काफ़ी लगे वहाँ पे। और ये दोनों मेरे भाई गए इधर, भाई बहन, इन लोगों ने किए मस्त होके। उसके बाद हम सारे लोग गए थे स्काई डेक खाने पीने, कुछ पेट पूजा के लिए, क्योंकि हमने उधर तो कुछ खाया नहीं था। और बस इसी तरह से हमने ही इवनिंग स्पेंड की थी, जो कि काफ़ी अच्छी रही। और आप लोग भी जाइए घूमिए, इंजॉय कीजिए। बट राइड्स के मामले में मैं ये कहूँगी, कभी भी राइड कीजिएगा तो सेफ्टी मेजर्स वहाँ के चेक कर लीजिएगा। कुछ वहाँ पे आपका कोई चेकिंग नहीं होती है, आपका हाइट मेजरमेंट, बच्चा भी जाए, अब कोई लोग बच्चे को लेके भी, हालांकि बच्चे आई थिंक नहीं जाने देंगे वो ऐसी बड़ी राइड्स, मैंने ऐसा ट्राई नहीं किया, हम खुद से नहीं लेके गए। बट बूढ़े इतनी एज वाले भी जा रहे थे, जाके इस तरह से हार्ट अटैक होने का ज़्यादा ख़तरा रह सकता है ना, तो उस चीज़ का हमें थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, खुद से ही ये चीज़ें समझनी चाहिए। और इस रेस्टोरेंट की अगर बात करूं तो अच्छा रेस्टोरेंट था, फूड वाज गुड, स्टाफ बिहेवियर वाज गुड, बट सर्विस में थोड़ा सा इशू था। सर्विस काफ़ी लेट सर्व हुआ था, खाना काफ़ी डिलेड था, तो वो वाली एक चीज़ थी। बाकी एम्बियंस और वहाँ का जो ऑरा था वो अच्छा था, काफ़ी पार्टी वाली टाइप वाइब्स आ रही थी। ये देखिए मैं उल्टी कैप पहन के बैठी हूँ यहाँ पे ऐसे ही, ये तो फ्रेंड्स सब अपने अपने फ़ोन में लगे हैं, देखिए विच इज़ नॉट गुड। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, चलते हैं, बाय बाय।